और मांझी जो ये बोल रहे हैं कि साहब जमीन जो लिखवा लिए, इस तरह के किसी के कहने पर नहीं बोलना चाहिए उनको बिना प्रूफ के साथ। और हम महागठबंधन के लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, हम लोग किसानों के साथ हैं। अब वो इतने बुजुर्ग आदमी इस तरह की बात करते हैं तेजस्वी जी पे, तेजस्वी जी जब से राजनीति में हैं तब से हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा है, कहा किसी का जमीन लिखवाएंगे, कोई एक व्यक्ति उनके पास है इसका जमीन लिखवाएं, बताएं वो तेजस्वी जी जिन पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए, आरोप निराधार है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरेशन। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को ऑफर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो अपने महागठबंधन के साथ जो ह्यूमन चेन लगा रहे हैं वो उसमें शामिल होना चाहते हैं, और खुले तौर पर उनका इसका इजहार भी जीतन राम मांझी ने किया है। बस एक शर्त रख दी है, शर्त यह है कि जो महागठबंधन के जो नेता हैं जो किसानों से ज़मीन उन्होंने लिखवाई, वो ज़मीन जो है वो किसानों को वापस कर दें, तो उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ ह्यूमन चेन में जीतन राम मांझी भी नजर आएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा हैं। सर, एक ऑफर वो भी चाहते हैं कि आए, बस जो ज़मीन आप लोगों ने लिखवाया है, एक तरह से एक आरोप लगाया है, वो वापस कर दे किसानों को। अब आप इन छोटी छोटी बात जो क्या बोल रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। और ये जो चेन बन रहा है मानव श्रृंखला का, यह तो किसानों के सपोर्ट में हम बना रहे हैं। किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इतने महीनों से, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और पूरा सिर्फ हम लोग पार्टी महागठबंधन नहीं है, इसमें पूरी जनता साथ है। आप देखिए कल ह्यूमन चेन कैसा बनेगा। और मांझी जो ये बोल रहे हैं कि साहब जमीन जो लिखवा लिए, इस तरह के किसी के कहने पर नहीं बोलना चाहिए उनको बिना प्रूफ के साथ। और हम महागठबंधन के लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, हम लोग किसानों के साथ हैं, और किसान के इस आंदोलन में किसान जीतेगी और ये काला कानून तीनों वापस होके रहेगा, और जब तक नहीं होगा हम लोग किसानों का साथ देंगे। इशारा उनका तेजस्वी यादव पे था कि जो जमीनें उन्होंने लिखवाई है अगर वो वापस कर देते हैं तो वो ह्यूमन चेन में शामिल होंगे। अब वो इतने बुजुर्ग आदमी इस तरह की बात करते हैं तेजस्वी जी पे, तेजस्वी जी जब से राजनीति में हैं तब से हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा है, कहा किसी का जमीन लिखवाएंगे, कोई एक व्यक्ति उनके पास है इसका जमीन लिखवाएं, बताएं वो तेजस्वी जी जिन पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए, आरोप निराधार है। लेकिन जहां तक मानव श्रृंखला की बात है, ह्यूमन चेन बनाने की बात है, अगर आपको लगता है कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है और किसान का जो तीनों का कानून है काला कानून वापस नहीं लिया जा रहा, आपको आना चाहिए, सिर्फ आपको नहीं सभी लोगों को, चूँकि किसान 80% किसान भाई है, और बिना के किसान के हमारी आर्थिक स्थिति देश की सुदृढ़ नहीं हो सकती। कितना सफल हो पाएंगे कल मानव श्रृंखला जो लगाने जा रहे हैं? पूरा गांव में, प्रखंडों में पूरा लोग उत्साहित है किसान। आप कल देखेंगे ऐतिहासिक मानव श्रृंखला होगा और पूरी जनता साथ है। सरकार भी तो चोरी दरवाजे से लोग बनाए हैं, सरकार तो महागठबंधन की बननी थी, फिर भी कल बताएगा आपको मानव श्रृंखला कि क्या जनता किसके साथ है। चलिए, ये थे कांग्रेस के अजीत शर्मा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।